हेलो गाइस, तो मैं हूँ वीरेंद्र कारड़िया और आप सबका एक और बार स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जिपलाइन पे हील कर सकते हो, मतलब चालू जिपलाइन पे आप कैसे हील कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबर करो, सो गाइस ये पहली ट्रिक है जिपलाइन एंड हील, मतलब आप जिपलाइन में कैसे हील कर सकते हो। तो इसके लिए ये बहुत सिंपल है, आपको जिपलाइन का यूज़ बटन और हील का बटन दोनों साथ में दबाने होंगे। तो मैंने अभी प्रेस कर दिया है दोनों साथ में, तो आप देख सकते हो कि कैसे मैं हवा में हील कर रहा हूँ, वो भी बिना कुछ पकड़े हवा में उड़ रहा हूँ। गाइस ये गरीना वालों की बहुत ही बड़ी गलती है गाइस, तो उनको जल्दी से ये रिप्लेस कर देना चाहिए गाइस। और अगर आप सिर्फ हील करोगे तो भी नहीं होगा, या फिर सिर्फ यूज़ का बटन प्रेस करोगे तो भी नहीं होगा, आपको दोनों साथ में करने पड़ेंगे तो ही ये होगा। और उसमें भी सिंपली जितना आप यूज़ करते हो उतनी स्पीड में नहीं होगा गाइस। और ये नेक्स्ट ट्रिक है कि आप कैसे पेट्रोलियम में जा सकते हो। तो इसके लिए तो आपको सबसे पहले इधर आ जाना होगा जहाँ पे मैं आया हूँ, और अगर आपके पास कोई टैंक होगा तो बहुत अच्छा होगा। और पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही आपको उधर बैठ जाना है या फिर खड़े हो जाना है, और बाद में इंटरनेट ऑफ़ करना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दौड़ लगानी है। और मैंने पिछले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि आपको भी थोड़ा आइडिया आ जाए ये ट्रिक का। तो फिर से एक बार आप सॉन्ग सुन लीजिए। सो गाइस आपको इधर आने के बाद आपको अपना इंटरनेट ऑन कर लेना है, और बाद में घर के बाजू में बैठकर धीरे से आपको गन स्विच करते जाना है। तो ये थोड़ी देर लग रही है मेरे, तो इधर आपको बैठ जाना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, और आगे आपको चलते रहना है, और साथ में आपको गन स्विच भी करनी है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप देख के भी कर सकते हो गाइस। तो आपको बस पिंग नॉर्मल होने की वेट करना है। तो आप देख सकते हो मैं अंदर आ गया हूँ, और बाहर से मुझे अब कोई नहीं देख सकता गाइस। अगर आप कैंपर हो तो आप रैंक गेम में भी अपना रैंक पुश कर सकते हो गाइस इधर ही कैंप करके। और अगर इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर आप इधर से किसी को मारोगे तो आप खुद ही मर जाओगे, वो सामने वाला नहीं मरेगा। तो प्लीज़ गाइस इसे अवॉइड करना। ये जो अपडेट नहीं आया था थर्ड एनिवर्सरी के पहले, ये ट्रिक 100% वर्क करती थी और हम सबको मार भी सकते थे, पर अब ये वर्क नहीं करती गाइस। तो आप प्लीज़ ये रैंक गेम में किसी को मारना मत, क्योंकि इससे आपका रैंक डाउन भी हो जाएगा गाइस। तो इसलिए आप ये अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो और ऑफ कोर्स लिए फ़न के लिए ट्राई कर सकते हो गाइस। तो मैं अभी उसको वो कुछ है ना उसे क्या कहते हैं भाई, यार ये ड्रोन को क्या कहते हैं गाइस मुझे देखो, मैं इसे मार रहा हूँ ऊपर से, यार देखो गाइस मैं एक फॉर्म वो भी फूट नहीं रहा, मैं भी फूट नहीं रहा। हाँ तो आप देख सकते हो मेरी डेथ हो गई। तो ये रैंक गेम में ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि आप भी मर जाओगे गाइस। तो ये नेक्स्ट ट्रिक है हमारी क्लॉक टावर के अंदर जाने की। तो क्लॉक टावर के अंदर भी आपको सेम ही करना पड़ेगा। ऐसे मैं अभी इधर खड़ा हूँ, और नेट अपना ऑफ कर देना है, और बाद में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रन करना है गाइस। तो फिर से एक बार दूसरा म्यूज़िक सुन लो आप।
सो गाइस, आपको इधर पहुंचने के बाद नेट फिर से रिकनेक्ट कर लेना है, मतलब आपको नेट ऑन कर देना है। तो मेरा अभी रिकनेक्ट हो रहा है, तो आपको सेम ही करना है पहले की तरह। आपको उस क्राउच होके गन चेंज करते रहना, तो मैं जब तक ना बोलूं और जब तक आपका पिंग नॉर्मल ना हो जाए तब तक आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और बाद में आपको दिखेगा मैजिक काला जादू। गाइस, आप देख ही सकते हो कि मैं क्लॉक टावर के अंदर आ गया हूँ गाइस, और इधर से भी आप किसी को भी मार सकते हो गाइस, और इधर भी सेम ही चीज़ होगी। तो हमने नेक्स्ट वो पेट्रोलियम में गए थे तो उधर भी चीज़ें फ्लोट कर रही थी गाइस, तो इधर भी आप देख सकते हो मेरा लैंड माइन फ्लोट कर रहा है हवा में। तो बंदा आया गाइस, तो उसे मारते हैं गाइस, तो क्या होता है फिर थे गाइस, भाग गया गाइस, देख रहा है पीछे, देख रहा है कि कहाँ है यार बंदा, कहाँ है गाइस। ये बहुत ही फनी है गाइस, ऐसे ही आप अपने फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हो कि कैसे मैंने एक बंदे को मारा, वो भी अंदर से क्या चौक गया था गाइस। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।